पहली बात, बुधवार के दिन विशेषकर कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। यदि कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर कोई बड़ी आफत आ सकती है। इसलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। दूसरी बात, यदि कोई सुहागन महिला बृहस्पतिवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके पति की आयु कम होती है। सुहागन महिलाओं को भी बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन नाखून और बाल आदि काटने या कटवाने चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पतिवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन कपड़े आदि धोने चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं, तो आपके परिवार पर बड़ी आपदा आ सकती है। तीसरी बात, यदि कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो उसकी बेटों और बेटियों पर कोई बड़ा संकट आने की संभावना रहती है। परिवार को किसी बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में शादीशुदा महिलाओं को सोमवार के दिन भी बाल नहीं धोने चाहिए। चौथी बात, अगर आप किसी वार का व्रत रखे हुए हैं तो उस दिन भूल से भी बाल ना धोएं। जैसे अगर आपने सोमवार का व्रत रखा हुआ है तो उसके एक दिन पहले बाल धोकर शुद्ध हो जाएं। जिस दिन व्रत रखे हुए हैं उस दिन आप कभी बाल ना धोए, और अगर किसी कारणवश आपको उस दिन बाल धोने पड़ जाए तो आप यह उपाय कर सकते हैं। आप अपने बालों में कच्चा दूध लगाकर बाल धो सकते हैं। अगर किसी त्योहार पर या शुभ मुहूर्त पर पूजा में बाल धोना भूल जाए तो महिलाएं ऐसे में मांग में सिंदूर लगाकर पूजा में शामिल हो सकती हैं। इससे बाल ना धोने का दोष नहीं लगता है।